नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हितेश पॉलस इलेक्ट्रोहोम्योपैथ आपको फिर से हमारे 114 प्लांट की सीरीज में एक नए प्लांट के सफर की तरफ लिए चलता हूं। आज हमारा चौथा प्लांट है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेस्टर्टियम ऑफिशनले, जिसे हम वाटर क्रेस भी कहते हैं। इस पौधे की क्या खास बात है, यह पौधा डायूरेटिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, टॉनिक फॉर एनीमिया है, प्रिवेंट फ्रॉम स्कर्वी, हमें स्कर्वी के रोग से बचाता है, और इसे हम ब्लड प्यूरिफायर भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे ब्लड को क्लीन करता है, स्किन को क्लीन करता है। और साथ में इस पौधे की एक और खास बात है, ये टीबी के ट्रीटमेंट में भी सहायक होता है। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड्स में भी आप लोगों को क्लियर कट बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसकी मदद से आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज बिना साइड इफेक्ट के कर। और इसी के मद्देनजर मैं आपको आज बता दूं कि ये जो प्लांट है फुल ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यूज है, पूरी तरह से न्यूट्रिशियस है, फुल ऑफ विटामिन सी है, और इसी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। यदि हमारे गले में सोर हो, थ्रॉट सोर हो, तो उसमें भी हमें आराम देता है, कफ एंड कोल्ड में भी आराम देता है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। और इस पौधे के जो इंटेंसली ब्राइट जो फ्लावर्स होते हैं, चाहे वो येलो कलर के हों, ऑरेंज कलर के हों, रेड कलर के हों, और खास बात इसकी जो लश राउंड लीव्स होती हैं, ये खाने में भी बहुत डिलिशियस होती हैं, इनक्रेडिबली डिलिशियस। ये आप अपने रोज़मर्रा के खाने में भी इसे शामिल कर सकते हैं, जो आपकी सेहत और स्वास्थ्य को हमेशा के लिए बरकरार रखता है और आपको कोई भी दिक्कत और तकलीफ नहीं आने देता। जैसे मैंने बताया डायूरेटिक है। फ्रेंड्स, डायूरेटिक का मतलब यही होता है कि जो आपका जो फ्लूइड सिस्टम है, आपके शरीर में फ्लूइड का रिटेंशन नहीं होता है, आपके शरीर में जो फ्लूइड है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो ब्लड जो है एक प्रोसेस के जरिए किडनी के माध्यम से आपके शरीर से बाहर कर देता है, जिससे आपके शरीर का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल रहता है, जिससे हमें किडनी की जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी नहीं आती हैं, और साथ में किडनी स्टोन भी नहीं बन पाता है। और इसी वजह से इस पौधे की जो वैल्यू है और ज्यादा बढ़ जाती है। और मैंने कहा एक्सपेक्टोरेंट है, तो गले में अगर किसी भी तरह की सोर है, हल्की खारिश है या तेज खारिश है, है ना, जिसकी वजह से गले में घाव हो गए हैं, आपका कफ एंड कोल्ड है, उससे भी बचाता है। दूसरा, जिनके अंदर रक्त की कमी होती है उसके लिए तो ये पौधा टॉनिक का काम करता है ना, कमाल की बात। और हमें स्कर्वी के रोग से बचाता है, जब हमारे मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगती है या स्किन हेमरेज होती है, कहीं भी हमारे शरीर में स्किन की एलर्जी होने लग जाती है, तो ये सारी चीज़ें। और इसको एक ब्लड प्योरीफायर की संज्ञा भी देते हैं क्योंकि हमारे ब्लड को क्लीन करता है, स्किन को क्लीन करता है। और यदि हमारा शरीर ब्लड को प्योरीफाई ना करे, जैसा कि हमें पता भी है, फिर भी मैं बता दूं कि हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, किडनी है, लीवर है, ये ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करते हैं, और हमारे हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो भी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो जो है ना पास करता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। साथ में हमारे जो लंग्स हैं वो भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में। दोस्तों, आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो जाती हैं। यदि हमारा शरीर का ब्लड प्योरीफाई नहीं है तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारी इम्प्रॉपर डाइट है, बैलेंस डाइट नहीं हम ले पा रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, नींद की कमी है, हमें इंसोम्निया होता है, उसके अलावा हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ये भी बहुत सारे कारण है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा पाते, हमारे आसपास हम अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ें आती हैं स्किन के अंदर, ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी का एक कारण बनती है।
और जब हमारे शरीर में एक इम्प्योरिटी इम्प्योर ब्लड जब मूव करता है तो आप ये समझ लीजिए कि जब इम्प्योर ब्लड मूव करता है तो कितनी कितनी हमारे शरीर को दिक्कतें आ जाती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, हमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, साथ में इन्फ्लेमेटरी जो डिजीजेज हैं वो हमें हो जाती हैं, स्किन डिजीज हो जाती हैं, यहाँ तक कि हमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और इतने तनाव की वजह से और इम्प्योरिटी ब्लड की वजह से, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा जो ब्लड है वो आपके माइंड को ज़रूरी होता है, तो मेमोरी लॉस भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपको कैंसर की शिकायत भी हो सकती है। तो क्यों नहीं हम आज ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपने खान पान को सुधारते हैं और अपने अपने शरीर में आई तकलीफों को दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार फिर से यहां जोर देना चाहूंगा कि इस तरह की किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, आपके शरीर में इचिंग हो रही है, एलर्जी है, नींद नहीं आती है ना, इन सभी के इलाज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चिकित्सा पद्धति का सहारा लेना होगा फ्रेंड्स, और वो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, जो कि 114 प्लांट के चमत्कारिक रिजल्ट लेकर चल रहा है, जिसमें से आज इस एक पौधे के बारे में इस एपिसोड में मैंने आपको जिक्र किया है। और आपको यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने इस एपिसोड में बताई है, तो आप मेरे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसका समाधान मांग सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। लॉकडाउन का पीरियड है, थोड़ा समय निकाल रही है सरकार भी, लोग भी अपने काम धंधों की तरफ वापस शुरू हो रहे हैं, लेकिन हर काम को करने से पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए सरकार की कुछ नियम और पाबंदियां हैं उनका ख्याल रखिए और बिल्कुल भी अनअवेयर ना हो, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि COVID-19 हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, जब तक एलर्जियां नहीं होंगी, तब तक आप COVID-19 से भी दूर रहेंगे। तो इसलिए हेल्थ और हाइजीनिक बनिए, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है और आप सबके लिए मैं यही कामना करता हूं। इसी सेवा भाव के साथ आज के इस एपिसोड में यहीं तक, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए शब्बक है,